ताबड़ तोड़ हमले करते हुए कैच किया हुआ है यहाँ पे बॉलर्स को, और अपनी कैद में मनमानिया करते हुए मनमानी सजाएं देते हुए सनी ब्रेकर फिर से आए आएंगे और उनके फील्डर बिल्कुल नहीं जाएंगे वहां पे बॉल लेने के लिए जहां ये बॉल जाएगा। अगर आपको नजर आया है आज के दिन का सबसे बुलंदो बाला छक्का लगा के मजा आएगा आपको इस मुकाबले का। पहली बार पे एक बुलंदो बाला छक्का लगा के इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले हाफिज बोला अहमद का ऐलान करते हुए असने लेफ्टी आप कटर नहीं डाल पाओगे स्नैन के आने बिल्कुल आगे तैयार था। छक्का लगा के अपने होने का एहसास दिलाया पार्टी को ज्वाइन किया अपनी आमद का ऐलान किया। इस तरह काम बिल्कुल नहीं चल रहा। पुल अवे एंड पुल नाइसली बैक टू बैक सिक्सेस। चले जी नसरुल्ला रांझा सामना करेंगे स्नैन के आनी। दो छक्के लगाए स्नैन एक छक्का लगाया हाफिज आकिब ने। अगला बॉल करने के लिए बॉलर आए बॉल की गैप को तलाश किया है चार रन के लिए गोली की मादन ये बॉल गया है बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत शुक्रिया और ब्रिलियंट वाओ कमाल के शॉट खेले हैं स्नैन के आनी। किसको छक्के लगा रहे हैं नसरुल्ला रांझा को छक्के लगा रहे हैं जो के खब्बों का एक्सपर्ट कहा जाता है हांगकांग से हमारे साथ आमिर खड़ी। एक तरफ भी दो बॉडी डंडे हिल चुके हाफिज पोला को जाना पड़ेगा वापिस और आमिर खड़ी ने कहा कि बस बहुत हो गया और पूछने की जहमत नहीं कर रही बड़ी हाफिज साहब वो आने तरना पे बाल आमिर खड़ी ना फुलटास जवाबी बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। छह रन के लिए खेले हैं आदिल सोहावा और लड़ना को गाना से सुनाना पैसी स्लोर वन और मुंह की खानी पड़ी आपकी बार आमिर खड़ी को एक बुलंदो बाला छक्का स्नैन के आने के बल्ले से प्यार से आल मुकीम सोदिया पहली बॉल पे एक जूसी फुल टास को बिल्कुल पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर और मलिक मोहसिन ज्यादातर आप देखेंगे पहले जो एक दो बाल होते हैं अपना जलवा नहीं दिखाते उसके बाद वापसी करते हैं ये इनमें मैंने एक खास बात देखी है। अजान की ब्रेक होगी जी अभी फुल टास बाल हवा में आसिफ काली के पास कोई चांस नहीं छह रन के लिए बाल बाउंड्री लाइन से बाहर। अजान की ब्रेक के बाद फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट लिया है स्नैन कियानी ने ताबड़तोड़ हमले बिल्कुल जारी हैं यंग टैलेंट की तरफ से अपने खूब क्लैश शो करते हुए और यूएई से हमें भेजा ब्रिलियंट जस्ट ब्रेक ऑफ द रिस्ट शॉट ऑफ द मैच सो फार वाह वाह शॉट ये छह नहीं ये चाप है ये बल्लेबाज बहुत खास है सामने स्नैन के आनी बड़ा जबरदस्त कैच लास्ट ओवर की पहली बॉल पे आउट। ये बॉल उतना अच्छा नहीं था लेकिन जो रिजल्ट मिला है सनी ब्रेकर को वो बड़ा कमाल सारा का सारा क्राउड दाद दिए बगैर नहीं रह सका स्नैन के आनी को। आगे खिलाया आदिल सोहावा ने एक बुलंदो बाला छक्का लगाया आदिल सोहावा ने जस्ट प्लस बल्लेबाजी करते हुए बड़े आम मौके पे आके आम रन निकाल रहे हैं आदिल सोहावा इनाम तो मिलेगा। ब्रिलियंट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वाह व्हाट अ शॉट सिक्स आउट ऑफ द बैट एंड सिक्स मोर हड्डी पाउंगी ये छह नहीं ये छाप है ये आदिल सोहावा बड़े मैच में बड़ा खास है और इन दिनों कमाल की फॉर्म में है जबरदस्त ऑलराउंड कारकर्दगी के साथ कल अपनी टीम को चैंपियन बनाया और आज भी फाइनल की तरफ रवाना हुआ है इस बड़े इवेंट में। क्लास मास्टर को सारा का सारा जेलम उस्ताद कहता है अगला बॉल Going, 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 still going, gone for maximum. Oh,
एक से बढ़कर एक बढ़िया शॉट, एक से बढ़कर एक बढ़िया कनेक्शन किया है और चौथा छक्के लगाए आदिल सोहावा ने। ताबड़तोड़ हमले करते हुए कैच किया हुआ है यहाँ पे बॉलर्स को और अपनी कैद में मनमानियां करते हुए मनमानी सजाएं देते हुए सनी ब्रेकर फिर से आएंगे और उनके फील्डर बिल्कुल नहीं जाएंगे वहां पे बॉल लेने के लिए जहां ये बॉल जाएगा। अगर आपको नजर आया है आज के दिन का सबसे बुलंदो बाला छक्का लगा के 126 रन का पार जैसा टारगेट स्कोरबोर्ड पे सजाया है। आज के दिन का सबसे तगड़ा टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट स्कोरबोर्ड पे सजाया हसनैन कियानी और आदिल सोहावा ने। अनहोनी को होनी करना है, नामुमकिन को मुमकिन करना है। 5 ओवर है 126 का टारगेट। मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त छोटा भाई और ब्रिलियंट जोर से उकार के फेंका है इस बॉल को। ये बॉल बिल्कुल बुरा नहीं था, ये शॉट बड़ा लाजवाब खेल रहा है चौधरी बकार। वाई सब चक्वाल हाजी खुरम पहली बॉल पे एक बुलंदो बाला छक्का लगा के इस्तकबाल किया है आफिस शानी का। शॉट बैक टू बैक सिक्सेस। इनका जवाब पत्थर से देते हुए चौधरी बकार, चौधरी बकार छोटा फाना जाएंगे इस रन के पीछे, वो दिलों को धड़काएंगे। नंबर 3 क्विक करवन डाला था, मुंह की खानी पड़ी आपकी बात, बिल्कुल तैयार थे चौधरी बकार। मैं आपको बता रहा हूँ खूबियां खामियां जानते हैं दोनों एक दूसरे की और यही मुकाबला था। इसी मुकाबले में कमाल करते हुए चौधरी बकार, देखते हैं आप कौन सा जवाब है यहाँ पे आफिस शानी के पास। 3-3 लग चुके हैं। नंबर 4 लगाने का मौका था, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है चौधरी बकार। जिस बार बाल पे बड़ा शॉट लगा सकते थे उस बाल पे आउट हुए हैं। आसिफ काली नए आने वाले बल्लेबाज, स्लॉसी पहली बार पे छक्का, आखिर तक लड़ना चाहते हैं चौधरी बकार आउट हुए हैं। आसिफ काली ने आके हमला किया है, जवाबी वार दिया है बिल्कुल। 25 रन पहली 5 बालों पे, लास्ट बाल दूसरे ओवर का, पहले ओवर में 16। ये लीजिए चपेट रसीद किया यहाँ पे आसिफ काली ने, इसी तरह का शॉट खेला था चौधरी बकार ने भी लेकिन नाकाम रहे। 2-2 छक्के लगाए, 31 रन लग चुका है, 30 प्लस चाहिए था जो कि मिला है इस ओवर में। और मुझे लगता है कि लेग कटर डालने जा रहा है उसामा या क्विकर वन डालेगा, क्विकर वन लेकिन नाकाम। 6 रन के लिए खेले, 3 बालें खेली हैं, 3 छक्के लगाए आसिफ काली ने, एक बड़ा नाम है जेल अमदीना की सरजमीन का। देखते हैं आसिफ काली को सनसनी लाएंगे मैच में, कोशिश कर रहे हैं, 3-3 छक्के लगा चुके हैं। फिर से कमाल खेले हैं, 4 प्लस खेले हैं, 6 रन के लिए खेले हैं या 4 रन बिल्कुल पहुंच चुका है क्योंकि बड़ा बड़ा फाइनल पड़ चुका है सोहावा वर्सेस जेलम। ओ हाय वालों कहते हैं गुस्सा उतार रहा है इस बाल पे, ये बाल बिल्कुल हवाओं का चीरता फाड़ता बाउंड्री लाइन से बाहर। ब्रिलियंट, ये चेयर नहीं ये छाप है, ये क्लास मास्टर बहुत खास है। ये बाल बिल्कुल बुरा नहीं था, ये शॉट बाल जवाब खेले हैं, जड़ों में पड़ा बाल और जड़ से उखाड़ के फेंका है छोटा फाना ने 6 रन के लिए। वाव 5:45 हो चुका है, कमाल का छक्का, टाइम कम है लेकिन छोटा फाना रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछला टूर्नामेंट भी सर्वाधिक चैंपियन आ जाए जी, पीएसएल की टीम का कप्तान आ जाए। चलें जी मिलते हैं जी ग्रैंड फिनाले में।